आज हम ये वाला थाल पोश बनाएंगे। ये काफ़ी बड़ा है और बहुत इजी भी है और बहुत सुंदर भी लगता है, और मैंने इसे स्टेप बाय स्टेप बताया है। तो चलिए बनाते हैं। इस थाल पोश के लिए मैंने दो कलर की वूल का यूज़ किया है, दो कलर की थ्रेड। आप अपनी चॉइस के हिसाब से जो आपको पसंद हो या जो आपके पास हो वो ले सकते हैं। सबसे पहले एक स्लिप नॉट बनाएंगे। आप देखिए, एक दो तीन चार पाँच छ और सात, सात चेन बनाएंगे। जो फर्स्ट वाली चेन है इसमें क्रोशियो को डालेंगे और स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। ये छोटी सी एक रिंग बन गई। अब देखिए, एक दो और ये तीन चेन बनाएंगे। अब क्रोशियो में धागा लपेटेंगे, इस रिंग के अंदर डालेंगे, ऐसे निकालेंगे, दो दूसरी बार लपेटेंगे, इस तरह से निकालेंगे, दो तीन और ये चार, इस तरह से। अब देखिए, ऐसे निकालेंगे इसे। अब चेन बनाएंगे, दो इस तरह से पफ स्टिच बनाया। अब दूसरी बार पफ स्टिच बनाएंगे, एक बार दो तीन और ये चार, चार बार लपेटेंगे और इस तरह से एक और ये दो चेन बनाएंगे। अब दोबारा इसी रिंग के अंदर एक दो तीन और ये चार, चार बार ही पफ स्टिच बनाएंगे, इस तरह से ऐसे निकालेंगे और एक और ये दो चेन बनाएंगे। तो इस तरह से ये एक दो तीन बनाए, टोटल सेवन, सात बनाने हैं ये पफ स्टिच। देखिए, इस तरह से हमने सेवन बनाए। ये अब लास्ट में दो चेन बनाने के बाद जो ये वाला सबसे ऊपर ये जो चेन है इसमें क्रोशियो को डालेंगे इस तरह, और स्लिप स्टिच करके जोड़ लेंगे। अब देखिए, इस तरह से जुड़ा। अब नेक्स्ट के लिए देखिए, हम यहाँ ये जो दो पफ स्टिच के बीच में जो दो चेन बनाई है ना, इस वाली जगह पे क्रोशियो को डालेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे आ गई। अब एक दो और ये तीन चेन बनाएंगे और सेम यहाँ पर पफ स्टिच बनाएंगे। एक चार लूप लेके, दो तीन और ये चार, इस तरह से लूप लिए। अभी देखिए, ऐसे निकाला, फिर एक और ये दो चेन बनाएंगे और सेम इसी वाली जगह पे एक और पफ स्टिच बनाएंगे। एक दो तीन चार, अब इस तरह से देखिए ऐसे। अब ये इनको निकालेंगे, एक और ये दो चेन बनाएंगे। तो अब नेक्स्ट ये जो दो दो चेन वाली जगह है दो पफ स्टिच के बीच में, फिर से इसमें दो दो हम पफ स्टिच बनाएंगे और दो दो चेनों का गैप देंगे, तीन और ये चार, इस तरह ऐसे निकालेंगे। ये देखिए, एक और ये दो, तो हर पफ स्टिच के बीच में दो दो चेन थी वहाँ पे, इस तरह से दो प एक पफ स्टिच, दो चेन एक पफ स्टिच, मतलब दो पफ स्टिच एक जगह बनाएंगे। एक दो तीन और ये चार, अब इनको एक साथ निकालेंगे इस तरह। अब एक और ये दो चेन। अब देखिए नेक्स्ट वाले में दो पफ स्टिच के बीच में, तो इस तरह से ये हम बनाते जाएंगे। ये जो ये सबसे ऊपर वाली चेन है इसमें क्रोशियो को डालेंगे और स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा पैटर्न बना। अब फिर से दो चेन वाली जगह में क्रोशियो को डालेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे यहाँ पे। तो ये हमारा इस तरफ आ गया सेंटर में, दो चेनों के बीच में। अब एक दो तीन चेन बनाई और यहाँ पे एक पफ स्टिच बनाएंगे, दो तीन चार लूप लेके जैसे हम बनाते आए हैं, चार। अब देखिए इस तरह, फिर एक चेन और ये दो चेन का गैप, और इसी वाली जगह पे
एक और पफ स्टिच, दो तीन और ये चार, चार हो गया। अब ये इस तरह से बनाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पे चेन बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छ सात, सेवन चेन बनाई। अब ये वाला स्किप करेंगे, दो चेन वाला स्पेस, नेक्स्ट दो चेन वाली स्पेस में देखिए इस तरह से पफ्स जो ये स्किप करेंगे, नेक्स्ट वाली में लूप लिया, दो चेन वाली स्पेस में पफ स्टिच बनाएंगे दोबारा से यहाँ पे, दो तीन और ये चार, चार लूप लेके इस तरह दो चेन ऐसे, दो चेन और इसी जगह एक और पफ स्टिच बनाएंगे, दो तीन चार, चार लूप लेके अब एक और ये दो चेन बनाएंगे, दो चेन तीन चार, देखिए दो दो का पेयर बनाएंगे, दोनों के बीच में दो चेनों का गैप रखेंगे इस, फिर सेवन चेन बनाएंगे। सेवन चेन बनाने के बाद देखिए ये स्किप करेंगे, दो चेन वाला फर्स्ट और नेक्स्ट वाले में इस तरह से फिर से पफ स्टिच बनाएंगे, चार। अब ये पफ स्टिच का पेयर बनाएंगे, दो चेनों का गैप देके, देखिए इस तरह से दो पेयर का पफ स्टिच और सेवन चेनों का गैप देके, यहाँ से दो चेनों का गैप देके ये राउंड बनाते जाएंगे। देखिए इस तरह से ये बना। अब जो ये फर्स्ट वाली चेन है देखिए स्लिप स्टिच करेंगे इसमें, अब ये देखिए सेवन चेन वाली जो ये है, अब ये जो दो चेन वाली जगह है इसमें स्लिप स्टिच करेंगे। अब यहाँ पे तीन चेन बनाएंगे, अब पफ स्टिच बनाएंगे, एक चार लूप का, दो तीन और ये चार, चार लूप का, एक और ये दो चेन बनाएंगे और इसी जगह पे एक और बनाएंगे पफ स्टिच, दो तीन और ये चार इस तरह से। अब ये देखिए एक दो तीन और ये चार चेन बनाएंगे। फोर चेन बनाने के बाद अब यहाँ से देखिए सेवन चेन जो बनाई थी हमने उसमें से एक दो, एक दो तीन चार, फोर्थ वाली जो चेन है उसमें क्रोशे को डालेंगे और ये सिंगल क्रोशे करेंगे इस तरह, फिर फोर चेन बनाएंगे, चार चेन बनाई देखिए, फिर ये जो पफ स्टिच के बीच में दो चेन है उसमें पफ स्टिच बनाएंगे सेम इस तरह ही, फिर दो चेन बनाएंगे, एक और ये दो और एक पफ स्टिच और इसी में बनाएंगे, अब देखिए इस तरह। अब हम चार चेन बनाएंगे, चार चेन बनाने के बाद जो सेवन चेन है उसमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ वाली चेन में एक दो तीन चार, चौथी चेन में क्रोशे को डालेंगे और सिंगल क्रोशे करेंगे इस तरह, फिर यहाँ से चार चेन बनाएंगे। अभी यहाँ ये दो पफ स्टिच के बीच में दो चेन वाली जगह है इसमें पफ स्टिच बनाएंगे, दो तीन और ये चार, फोर लूप का पफ स्टिच बनाएंगे, दो चेन और यहाँ पे पफ स्टिच और, तो इस तरह से ये हम बनाते जाएंगे पफ स्टिच के ऊपर पफ स्टिच, फोर चेन का गैप, सेवन फोर्थ वाली चेन में सिंगल क्रोशे, इस तरह ये राउंड बनाते जाएंगे। फोर चेन बनाई, अभी जो फर्स्ट वाली है पफ स्टिच के ऊपर इसमें क्रोशे को डालेंगे और स्लिप स्टिच करके जोड़ लेंगे इस वाले राउंड को भी, तो ये इस तरह से बना। अब ये दो पफ स्टिच के बीच में डालेंगे, स्लिप स्टिच करेंगे, अब एक दो तीन चेन बनाएंगे और फोर लूप की पफ स्टिच बनाएंगे, तीन चार, अब इस तरह से देखिए पफ स्टिच बनाया,
एक और ये दो चेन यहीं पे एक और पफ स्टिच बनाया, दो तीन और ये चार, एक। अब ये देखिए यहाँ से इस तरह से बनाया हमने, फिर एक दो तीन चार, और इस बार हम पांच चेन बनाएंगे। लास्ट में हमने फोर चेन बनाई थी लास्ट वाले राउंड में। तो अब ये जो सिंगल क्रोशे है, ये देखिए ये वाला सिंगल क्रोशे के ऊपर सिंगल क्रोशे करेंगे इस तरह से, देखिए। अब एक दो तीन चार पांच चेन बनाएंगे, इस बार हम फाइव फाइव चेन्स बनाएंगे और सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। सिंगल क्रोशे के ऊपर सिंगल क्रोशे, फाइव चेन बनाएंगे, सेम लास्ट वाले राउंड की तरह ही, बस फोर की जगह फाइव चेन बनानी है, पांच। और ये देखिए फिर इस तरह से ये वाला राउंड बनाएंगे, बनाते जाएंगे। सबसे ऊपर चेन है पफ स्टिच के, स्लिप स्टिच करेंगे और अपने पैटर्न को जोड़ लेंगे। अब इस वाले दो चेन वाली जगह में क्रोशे को लाएंगे, स्लिप स्टिच करेंगे, अब पफ स्टिच बनाएंगे। तीन चेन बनाएंगे पहले, तो अब यहाँ पे फोर लूप का पफ स्टिच बनाएंगे, सेम दो चेन और यहाँ पे पफ स्टिच बनाएंगे एक और, अब देखिए हमने लास्ट टाइम में फाइव चेन बनाई थी, तो इस समय हम सिक्स चेन बनाएंगे, चार पाँच छः चेन बनाएंगे यहाँ पे, और जो ये सिंगल क्रोशे है इसके ऊपर सिंगल क्रोशे करेंगे। अब सिक्स चेन और बनाएंगे, छः चेन बनाई, अब पफ स्टिच के ऊपर पफ स्टिच बनाएंगे। देखिए बहुत ही सिंपल पैटर्न है ये, सेम लास्ट राउंड की तरह है, फाइव की जगह सिक्स चेन बनानी है। तो इस तरह से हम ये बनाते जाते हैं, यहाँ पे सिक्स चेन बनानी है, फिर दो पफ स्टिच इस तरह से बनाते जाएंगे। सिक्स चेन बनाई और जो ये पफ स्टिच के ऊपर जो चेन है उसमें स्लिप स्टिच करेंगे, इसको ज्वाइन कर लेंगे। अब ये दो चेन वाली जगह में स्लिप स्टिच किया, अब फिर से तीन चेन बनाएंगे और पफ स्टिच बनाएंगे, एक दो तीन और ये चार लूपों का पफ स्टिच, दो चेन और इसी जगह में पफ स्टिच बनाएंगे। अब देखिए लास्ट हमने लास्ट राउंड में सिक्स चेन बनाई थी, इस राउंड में हम सेवन चेन बनाएंगे, तीन चार पाँच छ सात, सेवन चेन बनाई। अब ये जो है सिंगल क्रोशे के ऊपर सिंगल क्रोशे करेंगे, फिर सेवन चेन बनाएंगे, चार पाँच छः सात, सेवन चेन बनाई। अब देखिए ये पफ स्टिच के ऊपर पफ स्टिच इस तरह से बनाते जाएंगे, तो सेम लास्ट राउंड की तरह बनाएंगे, मगर इस बार हम सेवन चेन का गैप देंगे। अब देखिए जो ये पफ स्टिच के ऊपर चेन है उसमें स्लिप स्टिच करेंगे, जोड़ लेंगे इस तरह। अब ये दो चेन वाली जगह पे स्लिप स्टिच किया, फिर तीन चेन बनाएंगे, अब पफ स्टिच बनाएंगे, तीन और ये चार लूपों का पफ स्टिच, एक और ये दो चेन बनाएंगे, सेम इसी जगह पे एक और पफ स्टिच बनाएंगे, फिर दो चेन का गैप देंगे इस तरह। अब देखिए इसी जगह पे हम दो की जगह तीन बनाएंगे पफ स्टिच, एक चार लूप का, दो तीन और ये चार।
अब देखिए इस तरह से दो की जगह तीन। अब यहाँ पे हम सेवन चेन बनाएंगे। लास्ट रो में हमने सिक्स चेन बनाए थे, 3, 4, 5, 6 और सेवन चेन बनाएंगे और सिंगल क्रोशे के ऊपर सिंगल क्रोशे करेंगे, फिर सेवन चेन बनाएंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और अब ये देखिए यहाँ पे इस बार हम तीन पफ स्टिच बनाएंगे और सेवन चेन का गैप देंगे, सेवन चेन बनाएंगे। देखिए इस तरह से 3-3 पफ स्टिच बनाएंगे, ये देखिए ऐसे, और सेवन चेन बनाएंगे। अब जो ये लास्ट में सेवन चेन बनाने के बाद पफ स्टिच के ऊपर जो चेन है उसमें स्लिप स्टिच करेंगे। अब देखिए अब ये जो दो चेने हैं इनके बीच में स्लिप स्टिच करेंगे। अब यहाँ पे भी तीन चेन बनाएंगे, देखिए इस तरह से हमारा पैटर्न बना। तीन चेन बनाने के बाद यहाँ पे पफ स्टिच बनाएंगे इस तरह, दो चेन, दोबारा से पफ स्टिच, इसी जगह पे ये देखिए दो पफ स्टिच, फिर दो चेन बनाएंगे। अब देखिए ये जो दो पफ स्टिच हैं इनके बीच में दो चेन है, यहाँ पर भी दो पफ स्टिच बनाएंगे, तीन, और ये चार लूप लिए इस तरह, फिर एक, और ये दो चेन बनाई, एक और पफ स्टिच यहाँ पे बनाया, ये देखिए इस तरह से जो दो चेन है उसमें दो पफ स्टिच बनाएंगे, दो दो पफ स्टिच। अब यहाँ पे इस वाले राउंड में हम सेवन की जगह एट चेन बनाएंगे। लास्ट वाले में सेवन थे, इसमें एट बनाएंगे, 3, 4, 5, 6, 7 और ये आठ, आठ चेन बनाई, सिंगल क्रोशे जो है ये है यहाँ पे, इसके ऊपर सिंगल क्रोशे बना के अटैच किया इसे हमने, फिर एट चेन बनाई, आठ चेन। अब देखिए जैसे हमने ये बनाया है पफ स्टिच दो दो, इनके बीच में दो पफ स्टिच बनाएंगे, अब एट चेन बनाएंगे इस तरह, छ, सात, आठ, एट चेन बनाएंगे, सिंगल क्रोशे के ऊपर सिंगल क्रोशे। तो इस तरह से ये राउंड रिपीट करते जाएंगे। देखिए इस तरह से अब दो दो का पेयर बनेगा, ये दो पेयर बनेंगे इस तरह से, इस तरह से बनाते जाएंगे। अब देखिए जो ये पफ स्टिच के ऊपर चेन है उसमें क्रोशे को डालेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे। तो ये इस तरह से हमारा पैटर्न बना, देखिए। नेक्स्ट के लिए देखिए ये दो चेन वाली जो जगह है उसमें स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह। अब तीन चेन बनाएंगे और पफ स्टिच यहाँ पर भी बनाएंगे, 4 लूप्स का पफ स्टिच, 2, 3 और ये 4, इस तरह से दो चेन बनाएंगे। अब यहीं पर एक और बनाएंगे, पेयर बनाएंगे पफ स्टिच का, इस तरह। अब देखिए एक और ये दो चेन बनाएंगे, नेक्स्ट वाली जो दो पफ स्टिच के बीच में दो दो चेन है उस जगह पे हम पफ स्टिच बनाएंगे, ये देखिए इस तरह दो चेन, और यहाँ यहीं पर एक और पफ स्टिच, 2, 3 और ये 4, ये देखिए दो चेन इस तरह, ये देखिए। अब इसके बीच में बनाएंगे, इन दोनों के बीच में दो चेन वाली जो जगह है उसमें पफ स्टिच बनाया, एक और ये दो चेन बनाई और इसी जगह एक और पफ स्टिच बनाया, 1, ये देखिए इस तरह 2, ये फिर इसके देखिए इस तरह से ये 2, 2 और ये 2 इस तरह बनाया, फिर
चेन बनाएंगे। लास्ट राउंड में हमने 8 चेन बनाई थी, इसमें 9 चेन 9 बनाएंगे। 1 2 सेम, 3 4 5 6 7 8 और ये 9, 9 चेन बनाएंगे। अब सिंगल क्रोशे के ऊपर सिंगल क्रोशे करेंगे, तो ये भी रिपीट करते जाएंगे सेम राउंड की तरह। 9 चेन बनाएंगे, फिर 7 8 9, तो देखिए इस तरह से ये बनेगा। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में हम ये देखिए दो चेन वाली जगह पे ये दो पफ स्टिच, दो चेन बनाएंगे इस तरह से, दो पफ स्टिच, ये देखिए इस तरह। तो ये अपना राउंड बनाते जाएंगे और ये जो ये है 9 चेन बनाएंगे, ये देखिए ऐसे। इसमें हम सबसे ऊपर वाली जो चेन है स्लिप स्टिच करेंगे। अब देखिए ये 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 राउंड हो गए टोटल 9। अब देखिए 10th राउंड के लिए 10वें, देखिए इस तरह एक चेन बनाएंगे, 2 3 चेन। अब यहाँ पे 3 चेन बनाया, अब फिर से पफ स्टिच बनाएंगे। दो चेन, फिर से पफ स्टिच, फोर लूप का। इस तरह फिर एक और ये दो चेन। अब देखिए ये जितने भी दो दो चेन वाली जगह है ना, सभी में हम पफ स्टिच बनाएंगे। दो दो पेयर, मतलब एक एक पेयर दो पफ स्टिच, 4। अब देखिए एक और ये दो चेन इसी जगह पे, एक और ये दो चेन। अब देखिए इस तरह बना। अब नेक्स्ट के लिए भी एक और ये दो चेन इसी जगह पर, 3 और ये 4 लूप्स की पफ स्टिच, 2 चेन, 1 2 3 पेयर हमारे हो गए हैं ये, 2 3 4 इस तरह, एक और ये 2 चेन इसी में, 2 3 और ये 4 लूप, एक और ये 2 चेन और इसी जगह में, जो दो दो चेन वाली जगह है ना, 2 चेन और इसी जगह पे सेम 2 3 और ये 4 इस तरह। देखिए अब देखिए हमारे पास कितने पेयर हो गए, 1 2 3 4 5 5 पेयर हमारे पास ये पफ स्टिच के हो गए। दो दो पफ स्टिच बनाया, देखिए इस तरह से बनेगा ये। अब नेक्स्ट हम चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। इस राउंड में हम 8 चेन बनाएंगे और ये जो सिंगल क्रोशे है इसको देखिए यहाँ पे हम सिंगल क्रोशे के ऊपर सिंगल क्रोशे बना के जोड़ देंगे। फिर 8 चेन बनाएंगे, 6 7 8 चेन बनाएंगे। अब देखिए ये सारी दो पफ स्टिच के बीच में दो दो चेन की जगह है, ये देखिए इन सभी में हम दो दो पफ स्टिच बनाएंगे। तो हम ये कंटिन्यू करते जाएंगे, दो चेन फिर एक और पफ स्टिच यहाँ पे बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये बनाते जाएंगे आगे इन सभी में, और 8 चेन बनाएंगे यहाँ पे। देखिए इस तरह से बना। लास्ट में जो पफ स्टिच के ऊपर चेन है उसमें स्लिप स्टिच करेंगे और एक चेन बनाएंगे, और चेन बनाते हुए अपनी थ्रेड को कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से
देखिए अब नई थ्रेड का यूज़ करेंगे डिफरेंट कलर की, और सबसे पहले एक स्लिप नॉट बना लेंगे। आप अपने पैटर्न को पकड़ेंगे। अब देखिए ये जो दो दो चेन वाला गैप है इसमें डालेंगे क्रॉश योक को, और अपने स्लिप नॉट को इस तरह से क्रॉश योक में डालेंगे और एक चेन बनाएंगे। इस तरह से थ्रेड को अटैच किया, एक चेन, दो और ये तीन चेन बनाएंगे। देखिए अब ये जो थ्रेड हैं दोनों ये साथ साथ बुन लेंगे ताकि ये हाइट हो जाए, दिखे ना। अब तीन चेन बनाई। अब यहाँ पे देखिए फिर से पफ स्टिच बनाएंगे हम। चार, फिर एक और ये दो चेन बनाएंगे। नेक्स्ट दो दो, ये जो पफ स्टिच के बीच में दो दो चेनों का गैप देख रहे हैं ना, इसी में हम अपना पफ स्टिच बनाएंगे। एक एक पफ स्टिच बनाएंगे इसमें, हम दो नहीं बनाएंगे इस बार। हम एक दो चेन बनाई, देखिए एक एक ही बना रहे हैं। दो, तीन और ये चार। अब इस तरह से एक और ये दो चेन, तो इस तरह से बनाते हैं यहाँ तक इन सभी दो दो चेनों में पफ स्टिच। एक एक बनाना है इस बार, दो दो नहीं बनाने हैं। देखिए इस तरह से ये बना। अब नेक्स्ट के लिए फाइव चेन बनाएंगे। दो, तीन, चार, पांच चेन बनाई। अब देखिए जो नेक्स्ट की जो पफ स्टिच है उसके ऊपर चेन जो है उसमें क्रोशे को डाल के यहाँ से देखिए सिंगल क्रोशे करेंगे, फिर एक, दो और ये तीन चेन बनाएंगे। अब देखिए जो है ये हमारा पैटर्न इस तरह से ऐसे। तो अब तीन चेन बनाने के बाद ये वाला जो है ये देखिए ये इसमें क्रोशियों को डालेंगे और एक सिंगल क्रोशे करेंगे, फिर एक, दो और ये तीन, तीन चेन बनाएंगे। अब नेक्स्ट ये देखिए ये वाला जो है ये वाली जो जगह है यहाँ पे सिंगल क्रोशे करेंगे इस तरह, फिर तीन चेन बनाएंगे, एक, दो और ये तीन चेन बनाएंगे। देखिए इस तरह से बनेगा ये जो है बहुत ही सिंपल है। इसमें डालेंगे और ये सिंगल क्रोशे, फिर तीन चेन, ये देखिए ऐसे बनता जाएगा ये सिंगल क्रोशे। दो, तीन चेन देंगे। ये जो पफ स्टिच है ना, पफ स्टिच वाली जगह इधर वाली जो कॉर्नर में है ये देखिए इनके बीच में जो है एक, दो, तीन ऐसे देखिए। अब नेक्स्ट ये ऐसे पूरी रो कंप्लीट करेंगे। देखिए अब यहाँ पर तीन चेन बनाएंगे, ये देखिए इस तरह। तीन चेन बनाने के बाद ये वाली जो है ये देखिए इसमें सिंगल क्रोशे इस तरह, फिर तीन चेन बनाएंगे, अब देखिए तीन चेन बनाई। अब ये जो हमारी जो फर्स्ट राउंड है, फर्स्ट राउंड से पहले ये देखिए ये वाला जो है इनके बीच में इस तरह से यहाँ पे सिंगल क्रोशे, ये देखिए ये जो है यहाँ पे सिंगल क्रोशे, ये इस साइड सिंगल क्रोशे। अब ये देखिए पफ स्टिच के दूसरी साइड यहाँ पर भी सिंगल क्रोशे करेंगे इस तरह, फिर थ्री चेन्स बनाएंगे। ये देखिए ऐसे ये इस तरह से बनता जाएगा। अब नेक्स्ट ये जो है ये वाली जो जगह है ये पूरी रो कॉर्नर वाली बनाएंगे इस तरह।
जैसे हमने ये साइड बनाई उसी तरह बनाएंगे। फिर थ्री चेन बनाएंगे, देखिए अब थ्री चेन बनाई, ये जो जगह मिली हमें ये देखिए वाले सिंगल क्रोशे किया, फिर थ्री चेन बनाई, देखिए अब इसमें सिंगल क्रोशे किया, ये देखिए कॉर्नर नहीं है जो इस तरह, थ्री चेन बनाई, ये देखिए ये लीफ का डिज़ाइन बन रहा है। ये देखिए ये जो है ना ये वाली इंच, इस पे यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशे करना है, एक दो तीन चेन, नेक्स्ट इसमें फिर तीन चेन, नेक्स्ट इसमें देखिए तीन चेन, नेक्स्ट देखिए इसमें, फिर इसमें इस तरह से करते जाना है। थ्री चेन बनाई हमने, अब नेक्स्ट इसमें देखिए एक दो तीन चेन बनाई, ये देखिए ये जो है इसमें, फिर तीन चेन बनाएंगे। अब हम यहाँ पे पहुँचे, ये देखिए इस तरह, तो देखिए नज़दीक से देखिए, ये देखिए हमारे एक पत्ती का शेप होता है ना जो लीफ का डिज़ाइन बन गया, ये देखिए इस तरह। अब यहाँ से हम दो चेन बनाएंगे, एक और ये दो, दो चेन बनाई। अब जो फाइव चेन है ना उसमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली जो चेन है उसमें सिंगल क्रोशे करेंगे इस तरह, सिंगल क्रोशे किया, फिर उसके बाद एक और ये दो चेन बनाई, और ये जो ये वाला है दो दो चेन वाली जगह है पफ स्टिच के बीच में, अभी यहाँ पे पफ स्टिच बनाएंगे, ये देखिए फिर दो चेन और यहाँ पे पफ स्टिच, फिर दो चेन, तो देखिए ये जो है इस तरह से बनेगा। अब ये देखिए लीफ का डिज़ाइन, अब जैसे यहाँ से आएंगे फिर यहाँ, अब ये जो पफ स्टिच बनाएंगे सारा, फिर यहाँ पे इस तरह से ये डिज़ाइन बनाएंगे, ये जैसे बॉर्डर जैसा बना दिया हमने यहाँ पे, तो ये बहुत ही सिंपल है, इस तरह से रिपीट करते जाना है। देखिए इस तरह ये पफ स्टिच बनाने के बाद फाइव चेन बनाएंगे, एक बार और बता दूँ, एक दो तीन चार और ये पांच चेन बनाई। अब देखिए जो ये वाली नेक्स्ट वाली फर्स्ट जो पफ स्टिच है उसके ऊपर जो चेन है उसमें सिंगल क्रोशे करेंगे इस तरह। अब देखिए तीन चेन बनाएंगे, एक दो तीन चेन बनाई। अब देखिए ये जो है ना ये जो ये वाला स्पेस है इसमें क्रोशे को डालेंगे सिंगल क्रोशे करके, एक दो और ये तीन चेन बनाएंगे, देखिए इस तरह। ये जो ये वाले स्पेस है इस तरह सिंगल क्रोशे तीन चेन बनाएंगे, दो तीन चेन और ये वाले, बहुत ही सिंपल है सिंगल क्रोशे, तो इस तरह ये बनाएंगे ऐसे, फिर तीन चेन। अब देखिए जो हमारा ये जो सबसे फर्स्ट राउंड है ना उसके ये जो पफ स्टिच है इसके साथ वाली, ये देखिए फर्स्ट राउंड में जो इस तरफ हम ऐसे सिंगल क्रोशे करेंगे, फिर ये देखिए ये फर्स्ट राउंड वाला पफ स्टिच है ना यहाँ पे सिंगल क्रोशे किया, और इसकी दूसरी तरफ भी सिंगल क्रोशे करेंगे ये वाला इस तरह, फिर यहाँ से तीन चेन बनाएंगे, दो और ये तीन, और फिर टांग लेंगे
ये देखिए, फिर से ये रो रिपीट करते जाएंगे, मतलब ये पूरी करेंगे इस तरह यहाँ पे। ये देखिए तीन चेन, ये देखिए बहुत ही सिंपल और इजी पैटर्न है। देखिए अब यहाँ पे तीन चेन बनाया, अब ये इस जगह पे देखिए ऐसे सिंगल क्रोशे करेंगे। अब यहाँ से ये इस तरह बना, देखिए ये पैटर्न। अब फिर हम यहाँ से दो चेन बनाएंगे, अब एक और ये दो चेन बनाएंगे यहाँ से, और ये जो फाइव चेन है उसमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली जो चेन है, मिड वाली तीसरी नंबर की चेन है, उसमें सिंगल क्रोशे करेंगे इस तरह। ये देखिए इस तरह बना, फिर एक और ये दो चेन बनाएंगे, दो चेन बनाई। अब ये देखिए जो ये वाली दो दो चेन वाली जगह है पफ स्टिच के बीच में, यहाँ पे पफ बनाएंगे इस तरह, तीन और ये चार, फिर दो चेन। तो इस तरह से देखिए यहाँ सभी में पफ बनाते जाएंगे, ये देखिए ऐसे। तो बस अब रिपीट करते जाएंगे, बहुत इजी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा पैटर्न। देखिए ये अब इस तरह बना, अब यहाँ से दो चेन बनाएंगे। अब ये जो फाइव चेन है फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली चेन में, तीसरी चेन में सिंगल क्रोशे करेंगे जैसे हम करते हैं, और फिर एक और ये दो चेन बनाएंगे। दो चेन बनाने के बाद देखिए अब ये जो है हम अपना क्रोशे हुक यहाँ पे डालेंगे दो चेन वाली जगह में, ये पफ स्टिच के साथ, और स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद देखिए इस तरह से ये जॉइन हो गया। अब फिर एक दो और ये तीन चेन बनाएंगे। अब यहाँ पे इनके बीच में पफ स्टिच बनाते जाएंगे। देखिए पफ स्टिच बनाया, दो चेन बनाई, फिर देखिए पफ स्टिच के बीच में जो दो चेन वाली जगह उसमें पफ स्टिच बनाते जाएंगे। फिर दो चेन, तो इस तरह से बनाते हैं यहाँ पे। देखिए इस तरह से हमने ये बनाए। अब लास्ट में देखिए ये जब ये सारे बनाने के बाद पफ बनाने के बाद पफ स्टिच एक चेन बनाएंगे। अब ये देखिए अपने स्टिच को ऐसे बढ़ाएंगे, और ये देखिए ये वाली जो है ये वाली थ्रेड, इसको ऐसे ऐसे पकड़ के रखेंगे और ऐसे निकालेंगे, और इसी वाली में ये जो ये वाली थ्रेड है इस वाली में एक ये लूप लेंगे इस तरह। तो ये क्रोशे हुक में हमारे पास दो लूप हो गए, दोनों को एक साथ निकालेंगे देखिए इस तरह। तो ये हमारा एक स्टिच हो गया। अब देखिए दूसरा, फिर से थ्रेड को ऐसे लंबा खींचेंगे सेम इसी तरह। तो लंबा खींचने के बाद ये ऐसे ये वाली जो इनको ऐसे पकड़ेंगे यहाँ से इस तरह से निकालेंगे, और ये वाली जो थ्रेड है देखिए इसमें ऐसे सिंगल क्रोशे टाइप करेंगे। ये दो लूप हैं इस तरह से, ये ऐसे ये लूप्स बने दो। अब देखिए अब ये जो पफ स्टिच, ये पफ स्टिच के बीच में दो चेन है, इसमें फिर से पफ स्टिच बनाएंगे, एक दो तीन और ये चार, बहुत इजी है ये देखिए इस तरह। तो अब एक और ये दो चेन का गैप, और ये सभी ये पफ स्टिच में ये देखिए दो दो चेन वाली जगह में पफ स्टिच बनाते जाएंगे, और ये गैप में ये दो स्टिच बनाएंगे इस तरह। देखिए बनाया अब हमने ये स्टिचेस। अब यहाँ से अब देखिए पफ स्टिच बनाने के बाद एक चेन बनाई और इस स्टिच को लंबा किया खींच के, और ये देखिए इस तरह से यहाँ से लूप लिया इस तरह, और ये वाली जो थ्रेड है ये वाली में क्रोशे को डाल के एक लूप और लिया, ये दो लूप हुए इस तरह से, तो सिंगल क्रोशे। ये देखिए इस तरह से दोनों लूपों को निकाला एक साथ, ये देखिए इस तरह से ये बन गया हमारा। अब दोबारा से खींचेंगे इस तरह, देखिए अपने स्टिच को, और इस तरह से लेंगे और ये देखिए ऐसे निकालेंगे,
और ये इनको ऐसे एक साथ निकालेंगे। तो ये हो गया, दो स्टिच बन गए। अब देखिए फिर से ये जो पफ स्टिच हैं इनके ऊपर, ये दो दो चेन हैं इनके ऊपर पफ स्टिच बनाते जाना है इस तरह। देखिए अब देखिए जो ये चेन है इनके ऊपर पफ स्टिच बनाते जाना है, 2 3 4 दो चेनों का गैप, फिर यहाँ पे इस तरह से जैसे हमने ये किया है ना इस तरह से ये बनाते जाएंगे। ये देखिए इस तरह से ये बनाया। अब इस रो के लास्ट में हम ये जो ये वाली दो चेन्स हैं इसमें क्रोशिया को डाल के स्लिप स्टिच करेंगे और एक चेन बनाते हुए अपनी थ्रेड को कट कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से ये, अब यहाँ से हम एक नई ये नई मतलब ये वाली थ्रेड ज्वाइन करेंगे जो हमने फर्स्ट कलर लगाया था। तो अब देखिए सबसे पहले स्लिप नॉट बनाएंगे, एक नॉट बनाई। अब ये देखिए जहाँ से हमने थ्रेड कट की थी इसी वाली जगह पे क्रोशियो को डालेंगे, अपने स्लिप नॉट को डालेंगे, अब थ्रेड को ज्वाइन करेंगे, एक चेन बनाते हुए। ये वाली थ्रेड और ये जो एक्स्ट्रा थ्रेड है जो हमने कट की थी ये दोनों साथ साथ बुन लेंगे ताकि हाइट हो जाए, एक चेन दो और ये तीन। अब देखिए ये पफ स्टिच के बीच में दो दो चेन्स हैं उनमें हम काम कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम सिंपल पफ स्टिच ही बनाएंगे। तीन और ये चार पफ स्टिच बनाएंगे इस तरह, दो चेन। तो ये देखिए इस तरह से पफ स्टिच बना के यहाँ तक आते हैं। अब आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, यहाँ से हमारे पफ्स जो स्टिचेस हैं वो डिक्रीज होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। फर्स्ट वाले में हमारे पास 9 थे, अब इस वाले में हमारे पास 8 हैं, तो इस वाले में हमारे पास नेक्स्ट। अब देखिए देखिए इस तरह से पफ स्टिच बनाए। अब चेन वन, एक चेन, अब ये देखिए इसको ऐसे खींचा और स्टिच को, और ये देखिए ऐसे लिया, और ये इस वाले जो लूप में ये इसको ऐसे पकड़ा हमने, इस वाले लूप में ऐसे से निकाला, दो लूप है गए उनको एक साथ निकालेंगे। ये देखिए इस तरह बनाया। अब नेक्स्ट इसको लंबा किया, खींचेंगे ऐसे पकड़ेंगे, और ये वाली देखिए इसमें ऐसे डालेंगे, और ये दो लूप हैं इनको एक साथ निकालेंगे। ये देखिए इस तरह से, अब ये जो दो ये जो स्टिच के बीच में जगह है ये वाला जो लूप है इसमें क्रोशियो को डालेंगे, ये दो हमने बनाए यहाँ पे, ये देखिए इस वाले सेंटर में डालेंगे और सिंगल क्रोशिया करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ से अपनी थ्रेड को फिर खींचेंगे और फिर से हम ये बनाएंगे लूप। ये देखिए इस तरह, थोड़ा इसको भी खींचेंगे दूसरे स्टिच सेकंड स्टिच के लिए। ये देखिए इस तरह, देखिए तो ये यहाँ पे दो स्टिच, ये भी दो स्टिच, और सेंटर में कनेक्ट करेंगे सिंगल क्रोशे से। अब ये जो अब देखिए ज़रा ये जो पफ स्टिच के बीच में दो चेन है इसमें पफ स्टिच बनाएंगे, दो चेन, तो ये इस तरह बनाते जाएंगे। देखिए ये इस तरह से ये बना ले पफ स्टिच। अब देखिए एक चेन बनाई, अब ये यहाँ से लॉन्ग ये इसको खींचेंगे, अब ये इस तरह से सी फॉर्म स्टिच बनाएंगे इस तरह, एक और इसको खींचेंगे ये इस तरह। अब देखिए ये दो सी फॉर्म स्टिच बनाई। अब जो हमने पहले बनाई थी लास्ट राउंड में दो, उसके बीच में जो ये स्पेस है जहाँ पे हमने सिंगल क्रोशे या दो वो किया था, तो यहाँ पे सिंगल क्रोशे करेंगे और फिर से देखिए यहाँ पे इस तरह से स्टिच को लंबा करेंगे और सी फॉर्म स्टिच बनाएंगे, एक और एक और स्टिच बनाएंगे, दो। ये देखिए इस तरह से, इसमें दो फर्स्ट में हमने दो स्टिच बनाए थे सी फॉर्म, सेकेंड में हमने
ये इस वाले इसमें हमने 4 सी फॉर्म स्टिच बनाए हैं, तो ये पहले 2 बनाए, यहाँ से कनेक्ट किया, फिर 2 बनाए, तो इस तरह से ये बनाते जाएंगे पूरे राउंड में। देखिए हमारा जो पैटर्न है वो इस तरह से बनेगा। अब देखिए, अब लास्ट में इस राउंड के ये हमने बनाया। अब ये जो पफ स्टिच है, ये 2 चेन वाली जगह है, यहाँ पे हमने स्लिप स्टिच किया, तो अब यहाँ से हम ये 3 चेन बना के यहाँ तक पफ स्टिच बनाएंगे इस तरह, ये 2-2 वाली चेनों वाली जगह में। देखिए अब ये पफ स्टिच बनाया, अब यहाँ पे चेन बनाएंगे, और देखिए अब यहाँ पे ये इस तरह से एक स्टिच बनाएंगे, बहुत ज़्यादा लंबे नहीं बनाने हमें, और ये सेकंड स्टिच बनाएंगे सी फॉर्म स्टिच। अब ये जो है फर्स्ट वाली नॉट से कनेक्ट करेंगे इसमें, देखिए जो ये नॉट है इसमें, अब फिर से हम स्टिच बनाएंगे यहाँ पे, सेकंड स्टिच। देखिए अब ये जो बीच वाली में कनेक्ट नहीं करना, जो सेंटर वाली है, सेंटर वाली को स्किप करेंगे। अब ये जो है, ये जो ये इसको स्किप करेंगे, नेक्स्ट वाली जो नॉट है उसमें देखिए इस तरह से सिंगल क्रोशेट करेंगे, कनेक्ट किया इस तरह से देखिए, और फिर एक स्टिच और बनाएंगे इस तरह, और सेकंड स्टिच बनाएंगे ये देखिए इस तरह, और ये 2 लूप बनाएंगे, उनको एक साथ निकालेंगे। अब ये देखिए इस तरह से हमने बनाया। अब जो ये है, अब ये जो जगह है 2 चेन वाली, यहाँ पे पफ स्टिच बनाएंगे, पफ स्टिच वाली जगह पे आ गए हम, तो इस तरह से फिर 2 चेन, तो पफ स्टिच वाली जगह पे हम पफ स्टिच बनाएंगे इस तरह से, देखिए ये बनाते जाएंगे, ये वाला राउंड इसी तरह से बनेगा। ये देखिए इस तरह से ये जो है हमारा ये वाला राउंड बनेगा। अब नेक्स्ट राउंड के लिए देखिए, लास्ट में हम ये जो पफ स्टिच के साथ ये स्लिप 2 चेन वाली जगह है, यहाँ पे क्रोशियो को डालेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे, और एक चेन बनाते हुए अपनी थ्रेड को कट कर लेंगे। अब यहाँ से हम ये दूसरे कलर की थ्रेड को ज्वाइन करेंगे ऐसे। अब हम नई थ्रेड ज्वाइन करेंगे, तो उसके लिए स्लिप नॉट बना लेते हैं। पैटर्न को पकड़ेंगे जहाँ से हमने कट किया था थ्रेड, यहाँ पे देखिए ये जो ये स्पेस है इसमें एक स्लिप नॉट को डालेंगे, और अपने क्रोशे को इस देखिए ऐसे अटैच करेंगे थ्रेड को, तो पफ स्टिच के बीच में 2 चैन वाला स्पेस है, इस तरह से अटैच किया, 2 और 3 चेन बनाई। तो अब देखिए पफ स्टिच के ऊपर तो हम पफ स्टिच बनाएंगे, तो ये दोनों थ्रेड भी साथ साथ बुन लेंगे ताकि हाइड हो जाए, दिखे ना, निकले भी ना। तो यहाँ पे हमने पफ स्टिच बनाया 2 चेन, तो देखिए अब पफ स्टिच के ऊपर पफ स्टिच बनाते हैं। देखिए हमारे लीव का पैटर्न बनता जाएगा, डिक्रीज होते जाएंगे, घटते जाएंगे ये पफ स्टिच, तो बनाते हैं। देखिए अब 2 ये स्टिच बनाई हमने सी फॉर्म स्टिच, और जो फर्स्ट वाली नॉट है इसमें क्रोशियो को डालेंगे और सिंगल क्रोशे करेंगे, देखिए इस तरह से, तो ये ऐसे बना। अब हम नेक्स्ट स्टिच बनाएंगे सी फॉर्म स्टिच, दो स्टिच बनाए एक साथ। अब देखिए अब ये वाला हम फर्स्ट वाला हम बना लेंगे, फर्स्ट वाले में अटैच करेंगे। अब ये देखिए हम ये वाला स्किप करेंगे और नेक्स्ट वाली जो नॉट है इसमें डालेंगे,
देखिए सिंगल क्रोशे करेंगे तो देखिए हमारा जो ये पैटर्न है कुछ इस फॉर्म में आना चाहिए। तो और फिर ये देखिए जो ये जॉइंट्स हैं यहाँ पर स्किप करेंगे हम। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टिच बनाएंगे। तो अब ये वाला स्किप करेंगे और लास्ट वाली जो नॉट है उसमें सिंगल क्रोशे करेंगे। अब फिर से दो लास्ट में दो स्टिच बनाएंगे। अब देखिए जैसा ये इस तरह से आएंगे। देखो पहली बनाई हमने फर्स्ट वाली नॉट के साथ अटैच किया। अब देखिए ये ऐसे और ये ऐसे और लास्ट वाले में हम ये देखिए लास्ट जो हमने बनाई ये अब यहाँ से पफ स्टिच बनाएंगे। इस तरह से ये राउंड बनाते जाएंगे अपना देखिए ऐसे। देखिए जो ये पैटर्न है हमारा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो ये बहुत ही इजी है। देखिए ये इस तरह से बना। तो ये जो दो दो चैन है इनके ऊपर बनाएंगे। इस बार फोर हैं तो नेक्स्ट टाइम एक दो तीन हमारे पफ स्टिच बनेंगे। और ये जो ये स्टिचेस हैं देखिए फर्स्ट वाले में कनेक्ट करेंगे। जहाँ भी कनेक्ट है दो स्टिचेस आपस में ऊपर नीचे उसको स्किप करेंगे। इसमें बनाएंगे फिर इसको स्किप करेंगे फिर इसमें बनाएंगे फिर इसको स्किप करेंगे फिर इसमें बनाएंगे इसको स्किप करेंगे लास्ट में बनाएंगे। तो इस तरह से रो बढ़ाते जाएंगे। फिर ये फोर स्टिच बने फिर नेक्स्ट राउंड में थ्री स्टिच टू स्टिच और वन स्टिच और यहाँ से ये स्टिचेस बढ़ते जाएंगे। देखिए फर्स्ट में एक ये दो दो स्टिचेस को एक और यहाँ पे ये देखिए एक और ये दो और यहाँ से एक दो तीन। नेक्स्ट राउंड में देखिए अब इससे अगले राउंड में एक दो तीन और ये चार चार हो गए हमारे पास ठीक है। अब ये इससे नेक्स्ट राउंड में एक दो तीन चार और ये पाँच इस तरह से बढ़ते जाएंगे। उससे नेक्स्ट में सिक्स उसके नेक्स्ट में सेवन तो ये बनाते जाएंगे जब तक हमारे पास एक पफ स्टिच ना हो जाए। सिंपल रिपीट करना है और कुछ भी नहीं करना। तो होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए हमने ये इस तरह से बना लिया। अब जो लास्ट है ये भी इसी तरह बनेगा। यहाँ पे से हमने ये देखिए ये दो दो हमने दो दो राउंड बना के थ्रेड चेंज करी है। तो अब यहाँ पे भी दो राउंड बनाए। अब देखिए मैंने यहाँ पे लास्ट थ्रेड लगाई है ये वाली वाइट वाली। तो एक जो ये ये दो पफ स्टिच के बीच में जो जगह है ये देखिए इसमें स्लिप स्टिच को और इसको इस डाल के थ्रेड को ज्वाइन किया हमने। फिर चाहे तो आप दो चेन बनाएं या तीन चेन बनाएं। अब देखिए वही पफ स्टिच बनाएंगे। देखिए ये बहुत ही सिंपल पैटर्न है तो आपको समझ में आ गया होगा। अब जो कनेक्ट है उसको स्किप करेंगे नेक्स्ट वाले में डालेंगे। तो देखिए इस तरह से ये तो ये बनेगा हमारा। और जैसे ये एक हो गया नेक्स्ट में दो हो गए एक ये दो फिर उसमें एक दो तीन उसके नेक्स्ट में देखिए तीन के बाद एक एक दो तीन चार फिर उसके नेक्स्ट में एक दो तीन चार पाँच उसके नेक्स्ट में नेक्स्ट राउंड में एक दो तीन चार पाँच छः तो ये बढ़ते जाएंगे। फिर नेक्स्ट में सात एक एक बढ़ता जाएगा। और देखिए कनेक्ट हमने किया हुआ है और जो कनेक्ट नहीं है वहाँ पे बनाएंगे। जैसे ये कनेक्ट किया हुआ है जो कनेक्ट नहीं है इसको स्किप करेंगे और जो कनेक्ट नहीं है यहाँ पे हम बनाते जाएंगे। तो ये तो इस तरह से बनेगा। देखिए इस तरह से ये हमारा पैटर्न बना। अब नेक्स्ट देखिए जो लास्ट में हम क्या यहाँ पे इसमें अभी देखिए स्टिच बनाएंगे। एक सबसे पहले तो ऐसे एक स्टिच बनाया। अब देखिए स्टिच बनाने के बाद अपने थ्रेड को लपेटेंगे क्रोशे हुक में। अब ये जो पफ स्टिच के ऊपर जो चेन है उसमें क्रोशे हुक को डालेंगे इस तरह से खींचेंगे लॉन्ग स्टिच बनाएंगे। अब ये देखिए इसको ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे ये ऐसे निकालेंगे। अब देखिए निकालने के बाद ये जो इनको ऐसे पकड़ेंगे और इसके बीच में से लूप लेंगे एक और। अभी तीन लूप हो गए क्रॉश हुक में देखिए तीनों को अब एक साथ निकालेंगे। तो ये इस तरह से हमारा एंड का ये लूप बना। स्टिच अटैच किया हमने और एक चेन बनाई। देखिए
अब ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया। ये देखिए ये सारे डिक्रीजिंग डिक्रीज घटते गए, देखिए यहाँ पे लास्ट में एक आया। तो इस तरह से ये जो हमारी ये स्टिच है ये भी बढ़ते जाएंगे, इस तरह से स्टिच बढ़ते जाएंगे। अब देखिए ये लास्ट के राउंड में हम, ये देखिए इस तरह से है, तो एक स्टिच बनाएंगे। सबसे पहले तो एक सी फॉर्म स्टिच बनाएंगे इस तरह। अब उसके बाद एक दो और ये तीन चेन बनाएंगे, धागा लपेटा, और ये जो जो ये वाली जगह है सिंगल क्रोशे वाली, यहाँ पे एक डबल क्रोशे किया इस तरह। फिर एक दो तीन चेन बनाई और इसी वाली जगह में देखिए स्लिप स्टिच किया ऐसे। तो ये हमारा देखिए इस तरह से ये बना। उसके बाद एक चेन बनाई, यहाँ पे एक चेन बनाई। अब फिर एक स्टिच बनाएंगे इस तरह। अब देखिए ये बना। अब हम इसे कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट कहाँ पे करेंगे, जहाँ पे हमारा कोई अटैचमेंट नहीं है, जो नॉट है ये देखिए इस तरह से, जो नॉट किसी से कनेक्ट नहीं है, सिंगल क्रोशे किया यहाँ पे। फिर एक स्टिच बनाया और देखिए ये इस तरह से, तो ये इस तरह से अटैच होगा। अभी देखिए अब एक स्टिच बनाने के बाद देखिए फिर तीन चेन बनाएंगे। तीन चेन बनाई, अब इसी जगह पे डबल क्रोशे बनाएंगे और ये इस वाली जगह पे डबल क्रोशे को इस तरह से बनाएंगे। फिर थ्री चेन और बनाएंगे और यहाँ पे जो सिंगल क्रोशे वाली जगह है स्लिप स्टिच से अटैच कर लेंगे और एक चेन बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से बना। अब चेन बनाने के बाद देखिए एक लॉन्ग स्टिच, एक स्टिच और बनाएंगे इस तरह। अब देखिए ये कनेक्ट है, ये वाली जो ये नीचे वाले से कनेक्ट है इसको स्किप कर देंगे, ये फ्री है, कनेक्ट नहीं है। यहाँ पे इस वाली नॉट में या जगह पे हम सिंगल क्रोशे करेंगे। तो बहुत ही ईजी है ये, इस तरह से हम ये बॉर्डर बनाते जाएंगे। ये देखिए ऐसे स्टिच बनाया। अब जो है इस स्टिच को हम इस वाली जगह पे कनेक्ट करेंगे क्योंकि ये लास्ट का स्टिच है। ये यहाँ पे तो ये कनेक्ट है दोनों और ये फ्री है, फ्री से हमने स्टार्ट किया था जो, और ये इसके साथ कनेक्ट है तो हम यहाँ पर ही कनेक्ट कर लेंगे। ये देखिए क्रोशे को डालेंगे इस जगह पे और स्लिप स्टिच कर लेंगे यहाँ से ऐसे, और एक चेन बनाएंगे देखिए इस तरह से, और थ्रेड को कट कर लेंगे। थ्रेड को कट करने के बाद ये देखिए इस तरह से निकाला, इसको क्रोशे हुक किया, सुई की हेल्प से हाइड कर लेंगे। तो हमारा ये जो पैटर्न है ये देखिए इस तरह से बनेगा। ये देखिए बॉर्डर, और ये जो पूरा पैटर्न है ये देखिए इस तरह बनेगा। काफ़ी बड़ा थालपोश है ये, आप इसे थालपोश की तरह, टेबल मैट की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा आपको। देखिए ये इस तरह, ये मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया और ये बहुत इजी भी है और बहुत ही सुंदर लगता है ये, और थोड़ा इसका यूनिक डिज़ाइन भी है। आप कोई भी दो कलर यूज़ करके बना सकते हैं इसको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।